Hey guys, welcome back to Discovering Nearby. I'm Sanket Kashyap और जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको एक बजट वायरलेस ईयरफोन्स बताए अपने आईफोन के लिए या एंड्रॉइड के स्मार्टफोन के लिए जो भी आप यूज कर रहे हो. बेसिकली लोग मुझसे पूछ रहे थे यार कुछ सस्ती एक्सेसरीज भी बता दो, तो हमेशा महंगी चीजें बताते हो, एयरपॉड्स, एयरपॉड्स प्रो, और हर किसी का बजट नहीं होता मुझे लगता है, और कुछ एंड्रॉइड यूजर्स भी हैं वो भी सोचते रहते हैं. लेकिन आज की वीडियो स्पेसिफिकली आईफोन यूजर्स के लिए है. तो मैंने एक वीडियो बताई थी जिसे मैंने बताई थी टॉप 5 एक्सेसरीज जो आपको अपने आईफोन के लिए लेनी चाहिए. अब आईफोन के साथ टाइप ए टू लाइटनिंग केबल जरूर होनी चाहिए क्योंकि वो हर अडेप्टर में लग सकती है और आप उसे पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. मतलब बहुत यूजेज हैं उसके. आप लाइक कार में अगर जा रहे हो तो कार के अंदर आपके वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो उसे यूज करोगे, और हर किसी के फोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं है. तो मेरे अकॉर्डिंग आपको टाइप ए टू लाइटनिंग में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए. या फिर आप उनमें से हैं जिनके पास केबल थी, उनकी केबल टूट गई है, अब वो कोई थर्ड पार्टी लेने की सोच रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल इसकी 1800-1900 के करीब आती है, आप नहीं ले सकते. तो आज मैं उनके लिए एक थर्ड पार्टी केबल के बारे में बात करूंगा बेसिकली. लेकिन मैं वीडियो शुरुआत करने से पहली चीज आपको बता दूं कि मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से यही है कि आप एप्पल के ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करें. लेकिन जैसे लोग मुझे थर्ड पार्टी पूछ रहे थे कोई सस्ती केबल बताने के लिए मुझे बोल रहे थे, तो मैंने सस्ती केबल एक चूज करी जिसकी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे. और सेकेंडली ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही तो इस केबल की कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया है, ना ही अमेज़न ने. तो लिटरली ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है. तो ये टाटा केबल है टक्सर की तरफ से, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इसकी प्रोनंसिएशन क्या है, लेकिन फिर भी मैं इसे टस्कर ही बोलूंगा. अब इसका मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज किए थे इससे पहले, जैसे मैंने एक बार इसका स्टैंड यूज किया था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना एक बार इसको ट्राई देखूं. अब ये केबल बहुत बढ़िया मुझे क्यों लगी मैं इसके बारे में बात करूंगा. वैसे अगर आप जल्दी हैं तो ये केबल अगर आप थर्ड पार्टी देख रहे हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, वहां से खरीद लीजिए. मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट हो जाएगा, आपको बढ़िया टाटा केबल मिल जाएगी. लेकिन आपके पास टाइम है तो मैं बताता हूं कि क्या स्पेशलिटी लगी इस केबल में मुझे. तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग कैसी है. वैसे तो इसकी अनबॉक्सिंग में कुछ खास होगा नहीं. तो ये है पैकेट, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर करी थी, और जैसे कि मैंने बताया ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो ये मैंने खुद ही खरीदी थी क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा केबल चाहिए थी और मैं सोचा था एक बार बजट केबल को ट्राई कर लिए. तो इस तरह के पैकेट में आती है, और इसके साथ इसके अंदर थोड़ा बिल बिल सा है, चलो उसे साइड में रखते हैं. और ये है इसका बॉक्स, इसके ऊपर देखिए आप केबल बनी हुई है, ऊपर एक सील सी भी लगी हुई है. इसके बाद पीछे लिखा हुआ है कि ये सब किसके साथ कंपेटिबल है. तो चलिए इसे ओपन करते हैं, और ये इस तरीके से अंदर है, और इसे ओपन करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये है सिलिका जेल, इसे खा मत लेना. और अब ये है केबल, अब देखिए इसे गोल गोल घुमा रखा है, तो ये लिटरली मुझे कलर अच्छा लगा, जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा कलर है. और आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी ठीक ठाक है, और देखिए इसके कनेक्टर भी अच्छी क्वालिटी के हैं, और आप देख सकते हैं इसका फ्लैट वायर डिज़ाइन है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली. लेकिन आपके पास टाइम है तो मैं बताता हूँ कि क्या स्पेशलिटी लगी इस केबल में मुझे. सबसे फर्स्ट है इसका डिजाइन. अब ये फ्लैट डिजाइन है, ये पहले आया करता था नोकिया वगैरह के एयरफोन्स में, या पहले कुछ केबल्स भी आती थी. इस फ्लैट डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा तो हेडफोन्स में ये था कि वो उलझते नहीं थे, लेकिन इसमें ये फायदा है कि ये बेंड होने से टूटेगी नहीं. और इसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया कर रखा है उन्होंने. अगर आप इसके कनेक्टर्स की बात लोगे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग से लगे मुझे कि वो टूट नहीं सकते, आप उससे आराम से यूज कर पाएंगे. और डिजाइन के बारे में, इसके साथ अच्छे काफी कलर मौजूद है, व्हाइट भी है, ग्रे भी है, ब्लैक भी है. मैंने ग्रे इसलिए चूज किया क्योंकि व्हाइट थोड़ा कई बार गंदा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वो एक इशू है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. दूसरी चीज जो इसके अंदर अच्छी है कि आप इसके अलावा जैसे आप 200-300 की केबल भी ले सकते हैं, तो इसे क्यों चूज कर रहे हैं अगर थर्ड पार्टी ले रहे हैं. सबसे पहले तो इन्होंने M5 सर्टिफाइड लिखा हुआ है, अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो सेफ है आईफोन के साथ यूज करने के लिए. सेकंडली अगर आप कोई लोकल केबल लेते हो तो ओवर द टाइम वो स्लो चार्जिंग करने लग जाती है, और इनिशियली भी उसकी जो चार्जिंग स्पीड होती है वो स्लो होती है, लेकिन इसकी स्पीड मुझे चार्जिंग की अच्छी लगी एज कम्पेयर टू देम. और उन्होंने ये भी बताया है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कि ओवर द टाइम भी इसकी लाइक वो कम नहीं होगी. तीसरी चीज, इसका प्राइस बहुत बढ़िया था. जैसे अमेज़न की अगर आप लेने जाओगे, जो अमेज़न की भी काफ़ी अच्छी है और वो ब्रेडेड केबल आती है, वो 800-900 के करीब थी, ये वाली 600-700 की पड़ी थी, तो उसका प्राइस 100-200 रुपये कम है, और एप्पल के ओरिजिनल केबल से तो काफ़ी कम है. तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये चूज़ करी. बाकी जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ओरिजिनल की तरफ ही जाएँ, लेकिन अगर आप कोई थर्ड पार्टी देख रहे हैं तो ये अच्छी लगी. इसके अलावा अमेज़न की जो केबल आती है वो भी बहुत अच्छी है, वो ब्रेडेड है और नायलॉन ब्रेडेड है, और काफ़ी मजबूत है, और वो काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप
के लिए भी जा सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चूज करनी है। अब इसकी लेंथ के बारे में मैंने बात नहीं की, क्योंकि इसकी लेंथ कोई ओवर दी एज बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, ठीक लेंथ है, 1.2 मीटर लिखा है ये, और उसी के अकॉर्डिंग है आप, और ये उसी के बराबर है, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। बाकी जो जो बढ़िया डाटा केबल्स मुझे लगी वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लेकिन अगर आप उससे सस्ती भी देखना चाहते हैं तो मुझे एक पॉलिट्रॉनिक्स कंपनी है वो थोड़ी सी ठीक लगती है, लेकिन मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा, शायद वो अच्छा परफॉर्म करे, मैंने यूज नहीं की तो मैं उसका एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। बाकी थर्ड पार्टी में मुझे अच्छी लगी, अगर इससे थोड़ी हैवियर साइड पर जाना चाहते हो, थोड़ी सी कॉस्टलियर, तो बेल्किन एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छे सेंसर बनाती है। लेकिन अगर आपके पास फिर भी आपको डाउट है, अगर आपके फोन को सेफ रखना चाहते हो, तो आप जा सकते हैं ओरिजिनल एप्पल केबल के लिए, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बड़े केबल्स हैं उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके खरीद लीजिए ताकि चैनल थोड़ा सा प्रमोट हो जाए और आपको बेस्ट प्राइस मिल जाए। बाकी अगर आप सर्च कर रहे हैं वायरलेस ईयरफोन्स की वीडियो अब तक नहीं देखी आपने, जो मैंने चीप ईयरफोन्स की बताई है वायरलेस ईयरफोन्स के नॉइज के, मतलब 2000 वैसे कईयों को चीप लगेगा लेकिन इतना चीप नहीं है, तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ऊपर लिंक आ रहा होगा। बाकी मैंने एयरपॉड्स प्रो के भी डाल दिए हैं और एयरपॉड्स का रिव्यू भी रिसेंटली डाला है, तो आप उसे भी एक बार चेक कर लीजिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट कर देना अगर अभी भी आपके कोई डाउट है। बाकी अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय। और इसके अलावा भी बहुत डाटा केबल्स है थर्ड पार्टी, मैंने उन सबका लिंक दे दिया है, और मेरे पास अभी ड्यूरासेल की तरफ से भी कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिसके अंदर लाइटनिंग केबल भी हैं, तो अगर आप उनका रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। और बाकी जितनी भी डाटा केबल्स मैं बता रहा हूं कि भाई अच्छी है थर्ड पार्टी, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके खरीद सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको जौन सी अच्छी लगे वो खरीद लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।